आरिफ का नया दोस्त बना बाज, पक्षी प्रेमी ने पेश की नई मिसाल। सारस के बाद अब पक्षियों के राजा बने दोस्त। यूपी के अमेठी जिले के रहने वाले आरिफ और सारस की दोस्ती खूब चर्चा में रही थी। इस मामले में जमकर राजनीति भी हुई। दोनों की दोस्ती सुर्खियों में आने के बाद वन विभाग ने आरिफ से सारस को लेकर उसे कानपुर चिड़ियाघर में शिफ्ट कर दिया था। इसके बाद जब भी आरिफ सारस से मिलने चिड़ियाघर जाते तो सारस अपने दोस्त आरिफ को देखकर पंख उठाकर खुशी से नाचने लगता था। वहीं वन विभाग द्वारा आरिफ के पक्के दोस्त सारस को उससे दूर करने के बाद अब आरिफ ने पक्षियों के राजा कहे जाने वाले बाज को अपना नया दोस्त बनाया है। पक्षी प्रेमी आरिफ ने फिर से दोस्ती की नई मिसाल पेश की है। सारस पक्षी से दोस्ती करने के बाद सुर्खियों में आए आरिफ को कौन नहीं जानता। सारस और आरिफ की दोस्ती की पर राजनीति ने उन्हें एक दूसरे से दूर कर दिया था। इसके बाद आरिफ ने बाज को अपना दोस्त बनाया है। जामू थाना क्षेत्र के मंडका गांव के रहने वाले आरिफ ने सारस पक्षी के साथ अब पक्षियों के राजा बाज से फ्रेंडशिप की है। ये बाज लोगों के लिए खतरा साबित हो सकता है, लेकिन आरिफ के साथ इस बाज की दोस्ती हो गई है। आरिफ ने बाज से दोस्ती को लेकर अधिक जानकारी देते हुए बताया कि किसी ने उन्हें सूचना दी थी कि बाज पक्षी किसी वाहन से टकराकर गंभीर रूप से घायल हो गया था। इसके बाद वो घायल बाज को रायबरेली के नसीराबाद से लेकर आए और उसका इलाज करवाया। आरिफ ने बताया कि इलाज करवाने के बाद जब बाज पूरी तरह से ठीक हो गया तो उन्होंने उसे आजाद कर दिया था, लेकिन वह बाज दोबारा उनके पास लौट कर आ गया। इसके बाद तब से अब तक बाज वापस नहीं गया।